भाई प्लीज हाथ जोड़ के बोलता हूँ, घर पे ट्राई मत करना कुछ ज्यादा। व्हाट इज द पॉडी द पर रिएक्टिंग स्क्वाड, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों पर एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। भाई मैं भी एकदम अच्छा हूँ। तो आज की एक और वीडियो में हम एक और साइंस एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जो शायद आपने किया होगा या आपने देखा होगा। नहीं देखा होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, और बहुत समय नहीं है हमारे पास, तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू। इस वीडियो में जो चीज़ें हमको चाहिए वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले चाहिए हमको एक प्लास्टिक की बॉटल, जो मतलब कोई भी साइज़ आप ले सकते हो, मैं छोटी बॉटल ले रहा हूँ। उसके बाद चाहिए हमको सैनिटाइज़र, जेल फॉर्म में हो लिक्विड फॉर्म में हो तो भी चलेगा। और तीसरा चाहिए हमको लाइटर के, आप मतलब घर पे आपके माचिस हो तो भी उसे कर सकते हो। इसका करना क्या है हमको कि इस कैप पे कैप में हम छेद करेंगे ताकि यहाँ से एक प्रेशर यहाँ से निकल सके। उसके बाद सैनिटाइज़र जो अपना सैनिटाइज़र हो, सैनिटाइज़र को इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद इसके पकड़ के ऐसा हल्का सा शेक करेंगे ताकि जो इसका गैस हो, जो गैस हो वो इसके अंदर पूरा भर जाए। और भरने के बाद यहाँ से जब हाथ हटाएंगे और यहाँ पे जब आग लगाएंगे तो इतने प्रेशर से यहाँ से गैस बाहर निकलेगा कि ये आगे जाएगा। यानी कि ये कि इस तरीके से काम करेगा जैसा एक जेट का इंजन काम करता है। जेट के इंजन में भी ऐसा ही होता है कि एक इतना जो इंजन होता है वो इतने फोर्स से बाहर एनर्जी प्रोड्यूस करता फेंकता है कि हमारा जेट आगे जाता है। तो बस वैसा ही कुछ होगा, यहाँ से एनर्जी इतनी फोर्स से बाहर निकलेगी कि हमारा ये जो हमारा ये पूरा बॉटल ये आगे जाएगा। ऐसा बोला था बॉटल में ढक्कन में छेद करने का, तो मतलब ऐसा कुछ आप कैसे भी होल्ड कर सकते हो, पेन के पेन से या आपके घर में कोई की लो तो आप कैसे भी इसमें होल्ड कर सकते हो। और इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं हमको, बस इसके अंदर सैनिटाइजर डालना है और इसको ऐसे बंद करके हल्का सा इसको शेक करना है ताकि इसके अंदर गैस बन सके। तो चलिए सैनिटाइजर इसके अंदर डालते और देखते हैं। सैनिटाइजर हमको इतना ज़्यादा नहीं डालना है इसमें, बस इतना डालना है कि मतलब ये इसमें आग ना लगे, इतना शायद काफ़ी होगा। इसको अच्छे से शेक कर लेना है। अब चलिए इसको जला के देखते हैं कैसा जलता है ये। कुछ नहीं हुआ। तो वेल, हमारा एक्सपेरिमेंट बाहर तो काम नहीं आया क्योंकि शायद गैस उड़ गई या पता नहीं क्या होगा। कोई नहीं, अब अंदर आ चुके हैं, थोड़ा बैकग्राउंड मतलब लाइट कम होगी, लेकिन कैसा भी है अंदर ट्राई करते सेम करते रहना है। हमको इसको ऐसे ही शेक करते रहना है शायद जब तक कि तुमको ऐसा लगने लगे कि हाँ अंदर गैस बन चुकी होगी। मेरे को लगता है अंदर शायद गैस बन चुकी होगी, इसलिए बस ऐसे बॉटल को रखना है, लाइटर जले। तो वेल, इस वीडियो में इतना ही था। तो अभी हाथ सैनिटाइज करने जा रहा था, तो लाओ सुना है आपने भी कि सैनिटाइजर को अभी हाथ पे लगाना है, उसके बाद कभी फायर से मजाक मत करना क्योंकि ये सैनिटाइजर में आग लग जाती है। तो वह ट्राई करके देखते हैं कि मतलब सैनिटाइजर को हाथ पे लेके और फिर जला के देखते हैं क्या होता है। लेकिन उसके लिए पहले मैं अरे हमारे पानी में जेलीफिश, ये जेलीफिश नहीं है, कुछ और लग रहा है, जान दो जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। तो मैं वही बोल रहा था कि सैनिटाइजर को हाथ पे लेते और अंधेरा भी हो गया ताकि देखते अंधेरे में कैसा दिखता है ये। तो ये चीज़ प्लीज़ घर पे ट्राई मत कीजिएगा, शायद कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो सकती है। तो इसको प्लीज़ घर पे ट्राई मत कीजिएगा यार, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो सकता है ये। रुक जा भाई, इसको थोड़ा लिक्विड फॉर्म में करने दे इसको, आप प्लीज़ जलाओ इसको। तो वो भाई 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 प्लीज हाथ जोड़ के बोलता हूँ, घर पे ट्राई मत करना, कुछ ज्यादा ही अलग तरीके का जलन हो रहा था। जैसे मतलब ना जैसे आग से जलते हो वैसा नहीं जल रहा था, कुछ अलग जल रहा था भाई, देख लो कैसा जला। प्लीज भाई घर पे ट्राई मत करना। इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज यार लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना ऐसे और क्रेजी वाले एक्सपेरिमेंट देखने के लिए। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।